अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ हाँ, जुग जुग जी, हमरे बच्चे कैसन बा? अम्मा जी, हम अभी आप ही को कॉल करने वाले थे, उका है ना कि हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे हमरे लड्डू के भैया के ग्रहों में ना कच्छू कच्छू तो बहुत ही गड़बड़ है। अरे हमको भी कल रात को सपना आया था कि तुम लोग का कच्छू ठीक नहीं चल रहा है, तो ये बात जो है हम पंडित राम फक बताए हैं। अच्छा, तो का बोले हु? अरे वो कछु बोलते उके पहले उनके गुरुजी जो हैं पंडित आराम फल आ गए। अभी आराम फल क्या बला है अम्मा? का बकरा रे, वो बला नहीं है, वो तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। पता नहीं सिद्ध पुरुष है कि गिद्ध पुरुष है। का बकरा रे, हमने कहा कि अभी आराम फल क्या करने वाले हैं? देखो वो एक उपाय बताएंगे, उका बढ़िया से करना है तब जा करके मुक्ति पाओगे, समझे? अरे पंडित राम फल कौनो कम थे का जो ही आराम फल थोप दिए हम पे? इतना ही बोले लड्डू की भैया, का बोल रही? सुनिए अम्मा जी, हम वो आराम फल पंडित जी का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। हाँ बहुरिया, देखो ध्यान रखना, उनका स्वागत में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, और ये बैल जो है कोनो बदतमीजी ना करने पाए, इसका ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो कोनो शराब वराब दे दिए तो लेने देने पड़ जाएंगे। हाँ ठीक बा, ठीक बा, आप कोनो तान से ना लीजिए, लड्डू के भैया को हम सैंडल कर लेंगे। अरे वो बैल तो है सैंडल के लायक, और तुम जो है हैंडल कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अब भाई भाई अम्मा जी। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो बहुरिया। हैं नया तोता पलवाने लग गई। कहाँ तोता तोता करते रहते, वो बहुत बड़े गुरु जी हैं। ए कचरा कचरा, ये कचरा कहाँ गया? हम नीचे आ गए कनेक्शन करने के लिए। एक मिनट अनु, अभी क्या ड्रामा है? कैसा ड्रामा? तुम अघोरियों की बुक क्यों पढ़ रही हो यार? इसकी वजह तुम हो। इसकी वजह मैं हूँ? तुझसे मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अघोरी की बुक पढ़ो। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से एक लॉजिकल और साइंटिफिक सोच वाली लड़की को ऐसे ऐसे अघोरियों के पीछे भागना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ गई यार? जिंदगी बढ़िया चल रही है अपनी, क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में यार? कहाँ, जिंदगी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही है। लुक एट मी, मेरी जैसी औरत एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने की बिल्कुल भी आदी नहीं है। तुमने मेरा बैकग्राउंड देखा है? आई एम अ रिच वुमन। लेकिन तुम्हारे नलेपन की वजह से एक रिच वुमन पुअर वुमन लगने लगी है। वो कहते हैं ना कि एक दरिद्र पूरे घर की बरकत को खा जाता है। That's you. अनु, ताने वाने देने की जरूरत नहीं, और मैंने कोई बरकत नहीं खाई है। जहाँ तक कमाने का सवाल है, मैंने कभी कमाने से मना नहीं किया। I'm always there. पर तुमने कभी मुझे appreciate नहीं किया। You never even said once that Vibhu, well done. वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, that's true. आप कोतवाल हैं और हम चोर हैं। लेकिन कोतवाल साहब, इस चोर को गैर कानूनी काम करने मत दीजिएगा। भूलो मत, दिवाली आ रही है, अगर चोर ने मना कर दिया ना तो भरी दिवाली बाहर काटनी पड़ेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनो भैया, वो उधर से उस तरफ से ना वो लोग आएंगे, और जैसे ही आए ना हाथ पैर बांध करके ना लेके चले जाना वहां से तुम। ठीक है मैडम। मैडम यही ना वो तीनों? ये जो चेक शर्ट पहने ना, हाफ वाली और हाफ पैंट, यही लड़का है, यही है। पकड़ लो इसको, हाथ पैर बांध के इसको लेके चले जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, अभी तो ये तीनों एक साथ हैं, जैसे अलग होते हम इसे पकड़ लेंगे। और सुनो, एक चीज की रिपोर्ट ना हमको यहीं पर देते रहना, यहीं से खड़े खड़े हम लोग देखेंगे कृष्णा की मौत का खेल। ठीक है मैडम।
पड़ी है अभी। अभी आपको चोट लग जाती तो बीच से क्यों चल रही है, साइड से चलिए ना। अच्छा तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे बीच में चलना चाहिए कि साइड में चलना चाहिए? तुमसे मिट्टी लाने को कहा था तो सिर्फ उसी में हमारा साथ देना। चलो नुपुर। आस्था नूपुर कृष्णा अब यशोदा क्या हुआ, ऐसे कहाँ जा रही हो? वो आस्था नूपुर कृष्णा, अरे वो तो तालाब किनारे मिट्टी लेने गए हैं ना बेटा। मेरा जी घबरा रहा है, मैं जरा देख के आती हूँ। आई अम्मा। ये यशोदा को अचानक क्या हुआ? पत्नी से क्या हुआ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोच यार, दिवाली की मौके पे घर में एक उठैया अगर पटाखे ना हो यार, लंदन की नजरों में हम गिर जाएंगे, समझ रहे हो? कपूर सिंह जैन साहब, बैठो बैठो साहब, चाय मंगवा चाय। नहीं नहीं नहीं, अदरक वाली कूट कूट के। हप्पू सिंह, अभी अभी तुमने जो बात कही वो किस रिलेशन में कही ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि तुम अपने बच्चों की नजर में नहीं गिरोगे। कैसे कैसे सब कैसे? अरे तुम उठे ही कब थे जो गिरोगे? ये जोक था। I'm sorry, sir. एनीवे, इन सब में जो जरूरी बात करनी है वो कहीं रह ना जाए, और जरूरी बात यह है कि दिवाली सर पे आ रही है और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है, और उस मुहिम के तहत इस साल कोई पटाखे नहीं जलाएगा न कोई फोड़ेगा। सॉरी, मतलब एक अनार नहीं, एक फुलझड़ी नहीं, एक चकरी कुछ भी नहीं, ना चक्री ना फुलझड़ी ना जड़ी ना कुछ नहीं। अच्छा वो चुटपुटिया, चुटपुटिया सर, एटलीस्ट अगरबत्ती वो भी नहीं। और अगर किसी ने फटाका जलाया तो सरकार हम सब की तशरीफ में रॉकेट फिट कर देगी। और एक खास बात, और इस अभियान का चेहरा तुम्हें बनाया गया है अप्पू सिंह, तुम्हें, तुम इसका प्रमोशन करोगे और कानपुर में जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन सब में तुम्हारा वीडियो चलेगा, और उसमें क्या बोलना है वो इस पेपर में लिखा हुआ है। अरे दादा, बच्चन के सामने क्या कहेंगे हम? आप टेंशन ना लो साहब, हम तो खुद सारो जी पटाखा चुटपुटिया ये सब छोड़ने के खिलाफ हैं। What? लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे कि पापा पापा ये हम जाको समझा रहे थे, हमारी बहसा चल रही थी जब आप आए ना, हमने जाको समझाई
कि मनोहर देख पटाखों छुटानू बच्चों को अच्छे लगते हुए लेकिन जैसे नुकसान बहुत है, प्रदूषण होते हुए आवाजें आती हैं, आदमी शांति में अपनी दिवाली मना रहा हूँ बम 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 डिस्टर्ब होते हुए, करेक्ट समझा रही थी ना? वेरी गुड अपूर्व। अगर कानपुर शहर में एक भी फटाका फूटा तो तुम्हारी नौकरी गई। हम ऐसे पटाखे फोड़ेंगे, ऐसे पटाखे फोड़ेंगे, पूरे मोहल्ले में धुआं धुआं कर देंगे। नहीं यार, मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगी, मुझे ना पटाखों से बहुत डर लगता है। मैं सिर्फ अनार बम और वो फुलझड़ी जलाऊंगी, दैट्स इट। इसको पटाखे ही बोलते हैं। मैं तो सूतली बम फोड़ूंगा, ऐसो फोड़ूंगा यहाँ, लेकिन आवाज जाएगी लखनऊ के कोने तक, वहाँ के लोग भी डर जाएंगे। सही है, और मैंने सोच लिया है, मैं सबसे लंबी दूरी करने वाला रॉकेट लूंगा और वो सीधा जाएगा चांद पे, बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह। वेरी गुड। उसी रॉकेट के साथ साथ ना तू भी निकल लियो, कम से कम यहाँ पे 4-5 दिन शांति तो रहेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।